दोस्तों, जंगल की दुनिया में एक से एक खौफनाक शिकारी पाए जाते हैं। ये शिकारी इतने खतरनाक होते हैं कि इनके हमले के बाद शिकारी जानवर का बचना लगभग ना के बराबर होता है। यहाँ पर कदम कदम पर एक से खतरनाक शिकारी पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम आता है भेड़िए का। भेड़िया इतना खतरनाक शिकारी है कि अपनी शिकार को नोच नोच कर खाने के लिए मशहूर होता है। आज की इस वीडियो में भेड़िए के द्वारा किए गए कुछ ऐसे अप्रत्याशित हमलों के बारे में आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर जिनको देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वॉल्फ अटैक इल्क। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक पहाड़ी पर भेड़ियों का झुंड मौजूद है, जहां पर उसके सामने एक इल्क फंस जाता है। वहां पर भेड़ियों की गिरफ्त में एक इल्क आ जाता है और ये मौजूद भेड़िए वहां पर इल्क के बच्चे को नोच नोच कर खाने लग जाते हैं। इल्क काफ़ी कोशिश करता है छटपटा कर भागने की, लेकिन वो उनके हाथ से बच नहीं पाता है। वॉल्फ अटैक बियर। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से बियर के सामने बड़े से बड़े जानवर आने से कतराते हैं। वहीं ये भेड़िए मिलकर इस बियर का शिकार करने की योजना बना रहे हैं। बियर एक खतरनाक जानवर है जो कि बड़े से बड़े जानवरों से बड़ी आसानी से टकरा जाता है, लेकिन यहाँ पर बियर का सामना होता है एक भेड़िए के ग्रुप से। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से भेड़ियों के ग्रुप के बीच में एक बियर यहाँ पर फंस गया है और वो अपने आप को बचाव करने की काफ़ी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भेड़िए योजनाबद्ध तरीके से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। बियर काफ़ी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन एक के बाद एक हुए हमलों की वजह से बियर काफ़ी परेशान हो जाता है और वहाँ से वो बचकर भागने में ही अपनी भलाई समझता है। हालांकि भेड़िए उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे ही बियर भागता है, भेड़िए भी उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। वॉल्फ अटैक कैरिबू। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि पहाड़ी के पास एक बहुत बड़ा कैरिबू का झुंड मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ भेड़ियों के ग्रुप ने जैसे ही कैरिबू की तरफ दौड़ना शुरू किया, कैरिबू के ग्रुप में हलचल मच जाती है। कैरिबू इतने सातिर होते हैं कि वो अलग अलग दिशाओं में भागते हैं ताकि यहाँ पर भेड़ियों को कंफ्यूज कर सकें, लेकिन भेड़िए यहाँ पर बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कैरिबू की तरफ अपना पलायन करें। काफ़ी देर की कोशिश के बाद यहाँ पर ये भेड़िए इकट्ठे होकर कैरिबू की तरफ दौड़ने लग जाते हैं और उनकी मेहनत जल्दी रंग लाने वाली है और उनके हाथ यहाँ पर एक कैरिबू फंसने वाला है। जैसे कि इस वीडियो में देख सकती हो कि एक भेड़िए ने यहाँ पर एक कैरिबू को पैर पकड़कर दबोच लिया है। कैरिबू काफ़ी कोशिश करता है उछल कूद कर भागने की, लेकिन तभी भेड़िया वहाँ पर अपने मजबूत जबड़े की सहायता से उस कैरिबू को ज़मीन पर गिरा देता है। तभी वहाँ पर कैरिबू गिर जाता है और उसके बाद भेड़ियों के काफ़ी कुछ और साथी भी वहाँ पर अपने साथी की मदद करने के लिए आ जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये भेड़ियों का झुंड कैरिबू को यहाँ पर नोच नोच कर खाने में लगा हुआ है। वहीं बाकी के भेड़िए और अदर कैरिबू को अपने शिकार बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उनको शायद सफलता हाथ ना लगे, लेकिन ये कैरिबू शायद ही भेड़ियों की झुंड से बच पाएगा। वहीं अपने झुंड से एक और कैरिबू का बच्चा अलग हो जाता है जो कि भेड़ियों का शायद अगला निशाना हो सकता है। अब इस कैरिबू के बच्चे के साथ क्या ही होगा, ये तो हम नहीं बता सकते। वॉल्फ अटैक बफेलो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से बर्फीली पहाड़ी पर भैंसों का कुछ झुंड मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये जंगली भेड़िए इन भैंसों को अपने शिकार बनाने की सोच रहे हैं। भेड़िए शिकार में काफ़ी भूखे नजर आ रहे हैं और इनके हाथ जब कोई शिकार नहीं लगता है तो फिर ये इन भैंसों का शिकार करने की योजना बना लेते हैं। आगे आगे भैंस दौड़ रही होती है और उसके पीछे उसको ये भेड़िए शिकार करने की कोशिश में उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। तभी एक भेड़िया यहाँ पर भैंस का पिछली टांग पकड़कर उसको खींचने की कोशिश करता है। वहीं भैंस ये बर्फ में फंस जाती है और वो शायद नहीं बच पाएगी। वॉल्फ अटैक सीप। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से भेड़िए के द्वारा बड़े बड़े जानवरों के ऊपर हमला किया गया, लेकिन क्या होगा जब एक सीप यानी कि भेड़ इन भेड़ियों के सामने फंस जाएगी। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक सीप यहाँ पर बर्फ में मस्ती करती हुई नजर आ रही है।
इसको आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि इसकी ओर जंगल का सबसे खूंखार शिकारी इसको अपना शिकार बनाने की सोच रहे हैं। भेड़िए सूंघ कर ही अपने शिकार का अंदाजा लगा लेते हैं और उनको महसूस हो जाता है कि उनका शिकार कितनी दूरी पर मौजूद है। उसी तरह ये उसके बाद ही ये आने वाले हमले की प्लानिंग करते हैं। जैसे कि बर्फ में दौड़ते हुए इस भेड़िए को एक भेड़ का पीछा करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि भेड़ों का यहाँ पर पूरा झुंड मौजूद है और वो बचकर भागने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन भेड़िया इतना चुस्त और चालाक है कि उन भेड़ों का पीछा लगातार करता रहता है। तभी एक भेड़िया वहाँ से एक भेड़ को पकड़कर पहाड़ी से पटक देता है। वॉल्फ अटैक हैरी। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से भेड़िए के द्वारा बड़े बड़े जानवरों के ऊपर हमला किया जाता है। रात के अंधेरे में ये भेड़िए शिकार करने के लिए निकले थे और इनके हाथ कोई बड़ा जानवर तो लगता नहीं, साथ ही उनके हाथ एक हरे का बच्चा लग जाता है। हरे का बच्चा दौड़ने में काफ़ी तेज होता है, लेकिन ये भेड़िए भी कम चालाक नहीं होते। अगर भेड़ियों की औसत चाल की बात कही जाए तो ये लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो भी किसी शिकार को पाने के लिए एक अच्छी स्पीड मानी जाती है। जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से भेड़ियों ने यहाँ पर हरे के बच्चे को फुर्ती से चेस करना शुरू कर दिया है। हरे का बच्चा इतना फुर्तीला है कि वो इन भेड़ियों के हाथ नहीं आ रहा, लेकिन आखिरकार भेड़िए हिम्मत नहीं हारते हैं और वो लगातार उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। हरे का बच्चा कभी कभी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करके उन भेड़ियों को चकमा देने में अभी तक तो कामयाब हो जाता है और आखिरकार वो काफ़ी तेज़ दौड़कर उन भेड़ियों की पहुंच से दूर निकल जाता है। वॉल्फ अटैक डॉग। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये दो भेड़िए शिकार करने की तलाश में निकले होते हैं और इनके हाथ कोई बड़ा जानवर नहीं लगता है। तभी एक कुत्ते ने इनको देखकर भौंकने की गलती कर देता है। बस फिर क्या था, इन भेड़ियों ने उस कुत्ते के ऊपर इतनी बेरहमी से अटैक किया कि उसके जंजीर सहित उसको खींचने लग जाते हैं। लेकिन जब इनकी जंजीर खुलती नहीं है तो उसके बाद ये भेड़िए उस कुत्ते के बच्चे को ही नोच नोच कर खाने में लग जाते हैं। काफ़ी देर की कोशिश के बाद कुत्ता इसी तरह चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन इन भेड़ियों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और ये कुत्ता चिल्ला चिल्ला कर आखिरकार अपनी दम तोड़ देता है। वहीं उस कुत्ते का दूसरा साथी भी होता है जो चिल्ला चिल्ला कर अपने साथी की ऊपर हुए हमले के बारे में बताता है। तभी अचानक कुत्ते की गर्दन से जंजीर टूट जाती है और भेड़िए उस अपने शिकार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।